जय हिंद, जवाहर दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले सीए फाउंडेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां पर आपको फाइनल अकाउंट्स के 20 से 25 क्वेश्चंस में से सिर्फ ये 10 इलस्ट्रेशन व क्वेश्चन दोनों मिलाकर दे रहा हूँ, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी आए और आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करना भी आ जाए। तो 10 से 15 ये वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ओनली करने हैं आपको ये वाले, और इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कई सारे बच्चों के इससे रिलेटेड डाउट है कि सर क्या जनरल एंट्रीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या सर हमें कितने एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा और ये मार्क्स कितने वाला क्वेश्चन आता है। तो दोस्त, 10 से 15 नंबर के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 एडजस्टमेंट वाला आपके एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा गया, और मैं आपसे 7 से 8 एडजस्टमेंट वाला भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्त, सबसे पहले आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखने को मिलेगा। बेसिक फॉर्मूलों से आपकी बातचीत हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे। आफ्टर दैट आप यहाँ अमाउंट पेड टू क्रिएटर सीख जाएंगे, जो इस क्वेश्चन का एसेंस पार्ट है, जो एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सबसे पहले रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ आप जनरल एंट्रीज भी थोड़ी सी सीख जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 और 3 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि आपको दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एज इट इज छप सकता है 4 से 6 नंबर के लिए, क्योंकि एमटीपी आरटीपी में भी आया हुआ है। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट जैसा कॉन्सेप्ट आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन से सीख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन की वीडियो मैंने बहुत हद तक अपने चैनल पर जीनियस ऑफ कॉमर्स पर डाल रखी है, आप एक बार देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखी है। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं किए, तो आपसे एक बार में ये होने वाले नहीं है, एक बार जरूर करने पड़ेंगे, तब ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकते हैं। 1, 3, 4 के बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर जाना है, जहां पर आपको एडजस्टमेंट दिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और बैलेंस शीट बनाने को। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना हुआ है, बट स्टिल वहां कुछ एडजस्टमेंट रह गई है एडलेस करने वाली, और बैलेंस शीट भी एडजस्टमेंट वाली बनाएंगे, ताकि आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन आना है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट 10 से 15 नंबर का, वो आपसे आसानी से हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद आप चाहे तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 लगा सकते हैं, और चाहो तो सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 पर जाना है। सर 9 या 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक इलस्ट्रेशन है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहां आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब इसमें बिना किसी एडजस्टमेंट के सिखाता है, ताकि जब आप आगे जाकर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत थोड़ी कम आए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद चाहो तो इलस्ट्रेशन 9 लगाओ, जो बच्चे नहीं लगाना चाहते वो सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, दोनों एग्जाम से सेम सही है। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपका इंतजार कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन होने वाला है। एक सिंगल इलस्ट्रेशन कैन मेक यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर, एक सिंगल क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट वाला, जिसकी अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो मैंने बहुत हद तक डाल। इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा है दोस्त। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 12 अगर करोगे तो 1 आपको इजी लगेगा, 1 करोगे 12 करने की एक तरीके से जरूरत नहीं, बट दोनों करोगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चे पहले ही कर चुके हैं अब नहीं करना है, जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशन नंबर 9 चुना था उनको भी नहीं करना है। अब आप सीधे आपके 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंतजार कर रहे हैं, जहां आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, ये एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एमटीपी आरटीपी में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में आया तो 5 से 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आफ्टर दैट आपका इंपॉर्टेंट एरिया बचता है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक बार बनाना सीख ले, क्योंकि वो नई नई सी चीज है, आज से पहले कभी की नहीं है। ट्रेडिंग पीएनएल तो हमने 11th 12th क्लास में भी कई बार बनाने की प्रयास किया था। तो सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन, पेज नंबर 7.67 पर जाना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, दो ही इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने के बाद आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट 10 से 15 नंबर आने के बहुत खूबसूरत से ये 10 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कितना मजा आया, क्या ऐसा लगा कि हाँ ये पूरा चैप्टर सर ने पूरा कंप्लीट करा दिया, कोई भी एडजस्टमेंट बकाया नहीं है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं करे तो भाई साहब आप ये 10 क्वेश्चन लगाने की गलती ना करें, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर तो रिवाइज हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और प्रैक्टिस आपकी पहले से हो जानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगला चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट मंगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।